हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आजकल मैं ऐसी सीरीज चला रहा हूँ जिसमें लिखना पढ़ना इंग्लिश में सिखा रहा हूँ मैं, कि इंग्लिश में लिखना पढ़ना कैसे सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमने 4 वीडियो डाल दिया है, ये पांचवा है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसमें जाकर ज़रूर देख लेना अगर आप लिखना पढ़ना इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल ज़ीरो से एकदम बिल्कुल, आप भले ही आप कखा गगा भी क्यों ना जानते हो इंग्लिश में, वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। और आप देखना, अगर आप रेगुलर क्लास देखते हो तो आप ज़रूर इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीख जाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम पिछली क्लास का आंसर देखते हैं। आपने अगर बनाया है तो मैच कर लेना। ओके फ्रेंड्स, जहाँ गलती होगा वहाँ सुधार लेना। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। ये रहे आंसर पिछली क्लासेस के। आप अच्छी तरह से अपने बनाए हुए होमवर्क से मैच कर लो इसको, और फिर जहाँ पर भी गलतियाँ होंगी उससे आप सुधार लेना। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे कि किसी भी इंग्लिश में कहीं भी कुछ इंग्लिश में कहानी जैसा लिखा है। ओके फ्रेंड्स, कहानी जैसा लिखा है। अगर हम मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे या कहीं भी चैट करते हैं तो हम कैसे चैट करते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में डायरेक्ट लिखना पड़ता है कि आज मैं यहाँ गया था, तुम कल कहाँ गए थे, इस तरह से इंग्लिश में लिखते हैं ना। तो उस तरह की कहानी के जैसा हम लिखेंगे। इससे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, किसी भी हिंदी कहानी में, जैसे कि हिंदी में कहीं पर भी कुछ कहानी दिया हो तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। आज हम कहीं इंग्लिश में दिया हो तो उसको हम हिंदी कैसे करेंगे ये सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर कुछ लाइनें लिख कर रखी हुई है। यहाँ पर लिखा है, जो भी लिखा है अभी हम देखते जाएंगे, एक एक करके सीखते जाएंगे। यहाँ पर लिखा है ई और के, तो ई का मतलब क्या होता है? ए होता है। फिर के का मतलब क्या होता है? क होता है। एक हो गया, फिर बी हो गया, बी का मतलब ब होता है। फिर डबल ए है तो उसमें आ का मात्रा लगाएंगे। फिर आर है तो र। ओके, फिर यहाँ पर एम, एम का मतलब मैं होता है, म होता है। फिर इसमें ए आई है, ए आई मतलब ए का मात्रा आता है, मैं, मैं। कहीं, कहीं के का क, फिर एच का ह, फिर ही, या तो हम इधर से डालेंगे या यहाँ से भी डाल सकते हैं। ओके, फिर न है, वहाँ पे न है तो यहाँ पर कहीं, कहीं मीन्स ऊपर बिंदु आ जाएगा। फिर जा, जा यानी कि ज, जे का ज हो जाता है, फिर उसमें आ का मात्रा है तो जा हो गया। फिर आर का र, फिर यहाँ पर है एच तो ह में आ का मात्रा रहा। फिर टी एच ए, तो टी एच का मतलब होता है था, फिर उसमें लास्ट में ए का मात्रा तो था। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया, एक बार मैं कहीं जा रहा था, ये पढ़ लिया मैंने। रास्ते, आर ए एस टी ई है तो आर का मतलब र, फिर उसमें ए का मात्रा है तो आ का मात्रा लगेगा। फिर आधा स क्यों लिखेंगे आधा स? क्योंकि यहाँ पर एस के बाद ए नहीं है। फिर टी का त, फिर ऊपर इसमें कौन सा मात्रा है? ई का, तो इसमें रास्ते। फिर इसमें एम ही है तो मे, रास्ते में। एम यानी कि म, फिर जे यू है इसमें तो इसमें ऊ का मात्रा डाल दिया, मुँह। फिर जे एच से झ, फिर इसमें ई का मात्रा है तो मुझे, ई मतलब ए का मात्रा होता है। फिर ई और के तो एक हो गया, मुझे एक। जे ओ, तो जे ओ से क्या होता है? ज में ओ का मात्रा लगेगा तो क्या होता है? जो। फिर क में ए का मात्रा है तो क ही रहने देंगे। फिर आर है तो र, जोकर। ओके, एम आई, एम आई से क्या होगा? एम का मतलब म, एम आई से आई का मतलब ई। फिर एल, एल का मतलब ल, फिर उसमें आ का मात्रा है, ए का मात्रा, इसलिए आ लिखेंगे, मिला। ओके, फिर वी ओ है तो वी का मतलब वह, और ओ का मतलब ओ का मात्रा, वो, मुझे। एम यू जे एच ई, फिर से मुझे आ गया, यहाँ पर भी मुझे लिखा है तो मुझे। ओके फ्रेंड्स, मुझे। डी ई, डी से द भी होता है और ड भी होता है, तो यहाँ पर द लिखेंगे,
डी ई है तो दे होगा, फिर के एच है तो ख, फिर के ए आर है तो के ए से क, फिर आर से र। देख कर हंसने, ह स ने हंसने लगा, एल ए है तो ल, फिर जी ए है तो ग लगा। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद है एम ए, एम ए एन ई, तो एम ए म हो गया, फिर उसमें ए आई है तो मैं, फिर ने मैंने कहा, के ए एच ए कहा, जोकर फिर से जोकर आ गया यहाँ पर, जोकर भाई बी एच ए आई तो भाई, हम भाई ऐसे ही लिखते हैं, आप इसको भाई मत लिख देना, अगर हम भैया लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे बी एच ए आई वाई ए, यहाँ पर है भाई लिखते भी हम तो ऐसा ही लिखते हैं भाई। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि बी एच से भा हो गया, आई से ई का मात्रा हो गया, तो भाई। हंसना एच ए से ह स न, हंसना टी ओ से तो, यहाँ पर एच क्यों लगाया, हम तो बोलते हैं तो में ह का उच्चारण छुपा हुआ आता है। मुझे एम यू से मुँह, जे एच ई से झे, मुझे मुझे हो गया, फिर चाहिए तुम्हें टी यू एम एच ई तुम्हें देखकर, चाहिए पहले लिख देते हैं, चाहिए तुम्हें देख कर। ओके फ्रेंड्स, एफ आई, एफ से फा होता है, पी एच से भी फा होता है और एफ से भी फा होता है, तो एफ आई है तो फी हो गया, फिर र, फिर तुम टी यू तो तू, म तुम, के वाई ओ तो आधा क, फिर वाई में यो वो का मात्रा, तो क्यों हंस रहे हो, हंस रहे हो। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इंग्लिश को हिंदी में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके आसपास आपके दोस्त आपके रिश्तेदारों में से कोई ऐसा है जिनको इंग्लिश लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, तो आप उनको बताओ कि ऐसी क्लासेस चल रही है, एक सीरीज चल रहा है देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास पे यूट्यूब चैनल पर, आप भी देखा करो, उनको बताओ, बताने से आपका कुछ घटेगा नहीं बल्कि आपकी इज्जत करेगा हमेशा कि आपने उसको बताया। ओके फ्रेंड्स, तो आप बताया करो, अगर आपके आसपास या आपके फ्रेंड्स सर्कल में या आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा है तो। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इस तरीके से हम इंग्लिश का हिंदी करते हैं, तो आप इसी तरह से खूब सारा हिंदी इंग्लिश का हिंदी का प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में इंग्लिश में बहुत सारा चीज़ें लिख कर दूंगा, अभी लास्ट में आप उसका हिंदी करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके फ्रेंड्स, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। उसके बाद हम जब बुक पढ़ाना सिखाएंगे आपको इंग्लिश में बुक पढ़ाना, तो फिर ये जब प्रैक्टिस किए रहेंगे आप, तभी वो बुक पढ़ने में आपको सहूलियत होगी और आप जल्दी से जल्दी बुक पढ़ना शुरू कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, प्रैक्टिस से ही आदमी सीखता है, लिख कर पढ़ कर नहीं सीखता है, प्रैक्टिस सीखो, प्रैक्टिस जितना करना है उतना करो। ओके फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको ये सब करवा रहा हूँ प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी अभी हमारा चैनल खोला है, ओपन किया है, और अभी अभी आप नए हैं हमारे चैनल के लिए, और अब इसके पीछे क्या हुआ आपने नहीं देखा, और आप इंग्लिश लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इसके पहले के जितने भी क्लासेस थे उसके, आप ज़रूर देख लेना। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपसे एक गुजारिश और है कि आप वीडियो देखते हो तो वीडियो को देखते वक्त अगर आपको सचमुच में अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।